दोस्तों नमस्कार, केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज मॉक टेस्ट सीरीज का हम अगला पार्ट करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में आपको काफी हेल्प करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए है रैक्सन, बी है चोमस्की, सी है जॉन लॉक, डी है थॉर्नडाइक। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, इरेक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा यहां पर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है ए है 5 से 10 वर्ष, बी है 4 से 11 वर्ष, सी है 9 से 15 वर्ष, डी है 7 से 12 वर्ष। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक की विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बालक की विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष की मानी गई है या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहां पे डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन ए मानसिक विकास है, बी है शारीरिक विकास है, सी है ध्यान का विकास है, डी है भाषा का विकास है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन किस प्रकार से है, ऐसे क्वेश्चन समझेंगे। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह मानसिक विकास का कथन है। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है ए मौलिक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है सामाजिक अनुसंधान, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुसंधान जो सामाजिक अवस्थाओं से संबंधित है या होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलाप के सुधार हेतु संचालित किसके द्वारा किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन समझेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग बात करते हैं हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन देखेंगे ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता कहलाती है। तो आंसर द करेक्ट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग हमारा सी औपचारिक क्रिया अवस्था कहलाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला ऑप्शन देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो ए कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बी ए बातें करने वाले को दंडित करता है, सी ए उदासीन है, डी ए जो सोचता है कि बातचीत को सीखने की संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान दृष्टि से या समझ सकते हैं ऐसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक किस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार क्वेश्चन समझेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि कक्षा में अगर बातें होती हैं उन बातों को अगर हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को सीखने के लिए मिलेगा। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा जो बच्चा या जो सोचता है कि बातचीत को सीखने की संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं ए है दुर्मुखी, बी है प्लेटो, सी है किलपैट्रिक, डी है सुकरात। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रयोजन विधि के कौन प्रतिपादक है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा किलपैट्रिक ने प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, ए है संरचनावाद, बी है क्रियाशीलतावाद, सी है व्यवहारवाद, डी है सृजनशीलतावाद। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, सीखने वाले बच्चे को अधिक स्वतंत्रता देने की बात क्वेश्चन में पूछी कही जा रही है। तो जैसे कि आंसर इधर करेक्ट होना चाहिए इसका अकॉर्डिंग हमारा सृजनशीलवाद अधिक अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो आंसर इधर करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है ए विद्यालय न जाने, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा प्रदान करना। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, ए है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी है अच्छी अंतर्दृष्टि, सी है क्रियाशीलता, डी है सीमित रुचियां। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे तीन पॉजिटिव में होंगे ऑप्शन में और एक नेगेटिव में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं सीमित रुचियां सृजनात्मक बालक में नहीं पाई जाती हैं, तो आंसर का करेक्ट रहेगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला ऑप्शन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ए है छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बी है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी है उसे उपदेश देना चाहिए, डी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई छात्र है और वह असामाजिक व्यवहार कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है तो शिक्षक को उस समय या उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर शिक्षक होने के नाते अगर आप टीचर हैं तो आपको वहाँ पर बच्चे के व्यवहार को जानने का कारण पता करना चाहिए क्योंकि वो व्यवहार इस प्रकार का कैसे कर रहा है या क्यों कर रहा है, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए बी उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ए विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है विकास निरंतर होता है, डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो क्वेश्चन सीटेट में इस प्रकार से काफ़ी आते हैं, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे फिर एक बार आंसर देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पे
विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा रहा कि मनोविज्ञान के अनुसार बालक या बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन मानी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा किशोरावस्था बाल विकास की सबसे कठिन व जटिल अवस्था मानी गई है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ए वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, सी है वह संप्रेषण में निपुण हो, डी है वह कठोर हो। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए या प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अगर आप शिक्षक हैं तो आपके लिए एक प्रभावी होने के लिए क्या आप में क्वालिटी या गुण होने चाहिए। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, एक शिक्षक होने के नाते उसमें अच्छा संप्रेषण में निपुण हो, अपनी वार्तालाप या अपनी बातें उसमें सही से करने का, या हम उसी अपनी बातों को इतनी सरलता से बच्चों के पास या क्लास में करें कि बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट जाएगा वह संप्रेषण में निपुण हो, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी, माफ कीजिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ए है मौलिकता, बी है उत्पादकता, सी है अपरिवर्तनशीलता, डी है नवीन खोज की, माफ कीजिए नवीन ज्ञान की खोज। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं में पूछा गया है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा यहां पे करेक्ट अपरिवर्तनशीलता सृजनात्मक की विशेषता नहीं है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ए छात्र का अभिप्रेरणा विकास, बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी है खोज सक्रिय अधिगम का हास्य। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, यह भी क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा है और सी टेट में क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए बी केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा खोज सक्रिय अधिगम का हास्य लाभकारी नहीं होता है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। ए है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, बी है उद्देश्य की सूचना, सी है विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, डी है श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या एक अध्यापक के लिए सबसे प्रथम गतिविधि है, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ए विशेष लोगों को दी जाती है, बी है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी है बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी है स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है।
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता के आंकलन का यह जो रूप है, ए है साक्षात्कार, बी है अवलोकन, सी है प्रश्नावली, डी है लिखित परीक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आंकलन का यथोचित रूप है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ए विद्यार्थियों में व्यवसाय कुशलता का विकास करना, बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि बात करती है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होना चाहिए, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, ए है विद्यार्थी को दंड देना, बी है अभिभावक के ध्यान में इसे लाना, सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, या काना लिखा हुआ है यहाँ पे करना है, डी है इसकी अपेक्षा या उपेक्षा करना, डी में दिया गया इसकी उपेक्षा करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार करना प्रबंध कहलाता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे, ए उसे असंबंध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बी है उसे असंबंध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित कर देंगे या करेंगे, डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं या अधिगम करा रहे हैं और एक विद्यार्थी है जो कि विषय से अलग से हटकर प्रश्न पूछ रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, ऐसी स्थिति में आप कक्षा की बात उस छात्र के प्रश्न का उत्तर देंगे, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही साथ में, क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, ऑप्शन देखेंगे, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, बी है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, सी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया या किसे
सूची में जोड़ा गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप ए है, ऑप्शन देखेंगे इसके ए है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी है, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, सी है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में इस प्रकार क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक बच्चा है या विद्यार्थी है कक्षा में भाग लेने से संकोचित करता है या झिझकता है या हेजिटेशन महसूस करता है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। जैसे कि बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते उससे केवल तब ही प्रश्न पूछेंगे जब वह है उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित हो या हतोत्साहित हो, माफ कीजिए, उत्साहित हो। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो है उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, ए प्रशासनिक आत्मक, बी है शिक्षा प्रसाद, सी है आदर्शवादी, डी है निर्देशात्मक। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए। तो जैसे कि अभी बात करते हैं शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफी लंबा बढ़ा दिया गया, पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो, लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है, यह उदाहरण है, ऑप्शन देखेंगे इनके, ए है श्रृंखलागत अधिगम का, बी है अद्वितीयपन अनुक्रिया अधिगम का, सी है प्रत्यय अधिगम का, डी है उपयुक्त सभी का। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार और समझेंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो, लड़की ने अगली बार घर में प्रवेश करते ही कोट को हाथ में लेकर अलमारी की तरफ जाकर खूंटी पर टांगा या टांग देती है, तो यह उदाहरण किस प्रकार का है यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और इसी प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन की क्रिया को अधिगम के, माफ कीजिए, चिंतन की प्रक्रिया को के माध्यम से उत्तेजना मिलती है, ए है प्रतिबोधन, बी है प्रत्यक्ष, सी है भाषा, डी है सूत्र। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चिंतन की प्रक्रिया को के माध्यम से उत्तेजना मिलती है या किसके माध्यम से उत्तेजना मिलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि अभी बात करते हैं चिंतन की प्रक्रिया को प्रतिबोधन के माध्यम से उत्तेजना मिलती है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज संध्या बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, तो ए शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना,
बी है अधिगम क्रियाकलापों का उपलब्ध कराना, सी है अभिप्रेरणा प्रदान करना, डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कक्षा कक्ष में प्रक्रियाओं के दौरान अधिगम को सहज संध्या बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षार्थियों का या शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देख अधिगम क्रियाकलापों का उपलब्ध कराना और अभिप्रेरणा प्रदान करना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए उपयुक्त सभी, कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं एडजस्ट करेंगे हम। एक शिक्षक शिक्षिका वह चाहती या चाहती माफ कीजिए एक शिक्षक शिक्षिका वह चाहता या चाहती है कि उसकी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी शिक्षा की क्षमता के अनुसार उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करें, इस हेतु उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, ए गैर शिक्षण गतिविधियों को या गतिविधियों में भाग लेना तथा उसमें रुचि लेने का निर्देश देना, बी है तनावों को नियंत्रित करना सिखाना, सी है विशेष तैयारी के लिए सामान्य साथियों से पृथक करना, डी है उसमें सृजनात्मकता के विकास हेतु चुनौती देना। तो क्वेश्चन बोला जा रहा कि एक शिक्षक या शिक्षिका चाहता या चाहती है कि उसकी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करें, तो इस प्रकार की क्या कंडीशन या क्रियाकलाप करें जिससे कि वो अच्छी तरह से कक्षा में इन्वॉल्व हो पाएं या अच्छी तरह से काम कर पाएं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए उनमें सृजनात्मकता के विकास हेतु चुनौती देना चाहिए, तो आंसर इधर करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी आंसर हो जाएगा, टिक कर देंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 15 वर्ष। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की या संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का काल क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 11 वर्ष से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल माना गया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।